टीवी पे अंजलि की दोस्त बार बार ये कह रही है कि अंजलि की ही गलती थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कैसी दोस्त है कि इसकी दोस्त अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई, इसके सामने आ गई, चिल्ला रही थी, रो रही थी, और ये लड़की वहां से भाग खड़ी होती है और घर में जाके सो जाती है। इसने किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं समझी, पुलिस को नहीं बताया, अंजलि के पेरेंट्स को नहीं बताया। उस समय ये स्कूटी उठाकर उस गाड़ी का पीछा भी तो कर सकती थी, ये कोशिश तो कर सकती थी, कोई कोशिश तो करती जिससे कि अंजलि की जान बचाई जा सकती हो। तो एक तो इसने कुछ करा नहीं, ऊपर से जब पुलिस इसके पास पहुंची तब से लेकर अब तक ये सिर्फ और सिर्फ अंजलि को बदनाम करने में लगी हुई है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी लड़की जो अपनी मरी हुई दोस्त उस तक की नहीं हो सकती, उसकी बातों पे कैसे विश्वास किया जा सकता है। अंजलि ने एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत झेली है, उसको बुरी तरीके से मारा गया है, 12 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर उसको घसीटा गया है, उसकी नग्न डेड बॉडी दिल्ली की सड़क से मिली है। इतना दर्द उस लड़की ने सहा, उसका क्या कसूर था। ये जो भी दोषी हैं इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, और ये जो लड़की अंजलि की दोस्त बताती है अपने आप को, इसकी भी जांच होनी चाहिए। प्लीज विक्टिम को ब्लेम करना बंद कीजिए और अंजलि का कैरेक्टर असैसिनेशन करना पूरी तरीके से बंद कीजिए।